दोस्तों पठान मूवी के सक्सेस के बाद जहां ऑडियंस का एक्साइटमेंट पीक पर चला गया था, पठान मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई कर बॉलीवुड को फिर से जिंदा कर दिया। और उसी एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए शाहरुख खान ने यह अनाउंस कर दिया है कि जून में भी उनका एक मूवी आने वाला है जवान, जो कि पैन इंडिया की मूवी है और वो एक डेडली कंबाइंड मूवी है, क्योंकि इसमें साउथ के भी बहुत फेमस एक्टर रहेंगे और इस फिल्म को साउथ के एक फेमस डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म का विलेन भी बहुत ज्यादा फेमस है, विजय सेतुपति, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। और इसमें विजय थालापति का कुछ सीन वगैरह देखने को मिल रहा है, जो इस फिल्म के हाइप को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि ये फिल्म आएगा तो जहां वर्ल्ड वाइड पठान ने 100 करोड़ की कमाई की थी फर्स्ट दिन, वहीं ये फिल्म सिर्फ इंडिया में ही 100 करोड़ की कमाई कर सकती है। और ये फिल्म को ये भी कहा जा रहा है कि एक KGF और RR जैसे फिल्म के कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। बस इस फिल्म का कहानी अच्छा रहे और पब्लिक को पसंद आए, और शाहरुख खान का जलवा ही काफी है इस फिल्म को हिट करने के लिए। जहां फैन को 4 साल इंतजार करना पड़ा शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म के लिए, वहीं जब ये फिल्म आई तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। शाहरुख खान 4 साल इसलिए फिल्म नहीं बनाए, वो फैंस का एनालाइज कर रहे थे कि फैंस को कैसा फिल्म देखना पसंद है। और जब उन्होंने ये एनालाइज किया तो आप देख ही सकते हैं उसका रिजल्ट कि उन्होंने कितना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और पठान मूवी ने भी 6 दिन के अंदर ही 600 करोड़ कमाकर काफी अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी पठान को अच्छा मिल रहा है, और शाहरुख खान को लव भी पब्लिक की तरफ से अच्छा मिल रहा है। अगर यही चलता रहा तो जवान भी आने वाले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा सुपरहिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप जवान मूवी को कितना रेट देना पसंद करेंगे, और क्या आपको लगता है कि जवान मूवी पठान और KGF जैसे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।